नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप नाचकानी आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल इंडियन फूड विद दिलीप में। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाता हूँ मिर्च के बड़े बनाना, मिर्च पकोड़ा कैसे बनाया जाता है। तो आइए चलते हैं किचन में और बनाते हैं मिर्ची बड़ा। हम बनाएंगे भरवा मिर्ची के पकोड़े। इसमें आलू का मसाला भरेंगे। तो हम चार पांच मिर्ची ले लेते हैं, मोटी मिर्च है ये, और इसमें चीरा लगाएंगे। पहले हम आलू छील लेते हैं, बॉयल्ड आलू चार ले लिए हमने छोटे छोटे। आलू छिल गए हमारे। अब इसमें नमक डालेंगे स्वाद तो के अनुसार। चार आलू में कितना नमक डालना चाहिए, चार पांच आलू में, और लाल मिर्च ये भी स्वाद के अनुसार आप घटा बढ़ा सकते हैं। और ये अमचूर है, आधा चम्मच से ज़्यादा ना डालें नहीं तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। और थोड़ा सा गरम मसाला, दो चुटकी करीब, ये सब डाल के आलू को मैश कर लेंगे हम लोग। लेकिन आलू को मैश करने से पहले इसमें थोड़ा सा तड़का भी लगा देंगे। तड़का लगाने के लिए एक छोटा पैन रखेंगे गैस पे, इसमें थोड़ा कुकिंग ऑयल डाल दिया हमने, और राई डालेंगे इसमें, राई दाना एक चौथाई चम्मच करीब, एक चौथाई चम्मच करीब सौंफ, एक चुटकी करीब हींग, ये डालते हैं। ये हमारा भुन गया मसाला, और इसको ये आलू मैश करने के लिए इसमें छोड़ देंगे। और हम इसको बॉयल आलू को मसाले समेत अच्छे से मैश कर लेंगे। इस तरह हम चम्मच लेके मैश कर रहे हैं। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी ऐड कर रहे हैं ताकि थोड़ा कलर आ जाए मसाले पे। मैश हो गया आलू हमारे। मिर्चों में चीरा लगा देंगे, क्योंकि मिर्चें हमारे कड़वी नहीं है तो इसमें हम चीरा लगाते समय इसमें बीज वगैरह नहीं निकाल रहे हैं। आप चाहें तो बीज निकाल सकते हैं, लेकिन हमें बीज अच्छे लगते हैं इसलिए हम बीज नहीं निकाल रहे हैं। और मिर्च मीठी होने की वजह से भी नहीं निकाल रहे हैं बीजों को। इस तरह चीरा लगा के और इसमें अच्छे से अंदर तक भर देंगे आलू का मसाला। अब मसाला जितना ज़्यादा भरेंगे आपको पकौड़ों में उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा खाते समय। इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, लेकिन बढ़ते खड़े चलते हैं बीच में। ये हमने मिर्ची भर दी है और आप बाउल लेंगे, इसमें बेसन डालेंगे, करीब 4 टीस्पून अच्छे से भर के, 4-5 टीस्पून बेसन डाल दिया हमने। अब इसमें मसाले डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, लाल मिर्च स्वाद अनुसार, इसमें हम एक चुटकी करीब
मीठा सोडा खाने वाला डाल देंगे और पानी से घोल तैयार कर लेंगे। पानी डालते इसमें मिर्ची के लिए। आपको ध्यान रखना होगा कि घोल ज़्यादा पतला ना हो जाए। कितना पतला घोल बना लीजिए कि पकौड़े आसानी से डिप हो जाए मिर्च के। अब ये घोल सही है, इसमें आपकी मिर्च आसानी से डिप हो जाएगी। थोड़ा सा और पतला करना पड़ेगा मामूली सा। ये मिर्च पकौड़े का घोल तैयार हो गया है। ये घोल तैयार हो गया है और इसको 10 मिनट रेस्ट पे रख देंगे। हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस चला देंगे और इसमें रिफाइंड कुकिंग ऑयल डालेंगे पकौड़े तलने के लिए। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम पकौड़े डाल सकते हैं। इस तरह से अच्छे से डिप कर देंगे। छोड़ देंगे ऐसे। अच्छे से सिक गए हैं, सुनहरे हो गए हैं पकौड़े। मिर्ची बड़े, राजस्थान में इन्हें मिर्ची बड़ा बोला जाता है। ये पकौड़े सिक रहे हैं हमारे मिर्ची के, राजस्थान में इनको मिर्ची बड़ा भी बोला जाता है। पकौड़े तैयार हो गए, मिर्ची बड़े। रेडी टू ईट है, इन्हें परोसते हैं। इस तरह इन्हें हरी चटनी और टमाटो सॉस के साथ खाया जा सकता है। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं कैसे बने हमारे पकौड़े।